नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। सभी चाहते हैं कि उनकी किस्मत उनके भाग्य से जुड़ी हुई होती है और भाग्य को सफल बनाने के लिए या फिर भाग्यशाली बनाने के लिए उन्हें किस्मत का साथ देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन किस्मत को किस तरह से वह अपने आप से जोड़ सकते हैं और कैसे पता चलता है कि हमारी किस्मत किस तरफ हमारे भाग्यशाली को बढ़ावा दे रही है, तो जानते हैं इस वीडियो के दौरान कि आपकी किस्मत आपके भाग्य को कहाँ तक उजागर करती है। भाग्य को हर कोई मानता है, चाहे वे लड़का हो, लड़की हो, महिला हो या फिर पुरुष हो। बच्चों के लिए भी भाग्य उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भाग्य हमें यह बताता है कि हमारे भाग्यशाली होने के कितने आसार हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कार्य करते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य भी करते हैं जिससे हमारे भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारा भाग्य कब सुधर रहा है और कब बिगड़ रहा है, कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से हम वह गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। यदि आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो समझ लीजिए ये वह तरीका है जो आपकी परीक्षा ली जा रही है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपका भाग्य आपके भाग्यशाली बनाने के लिए किस्मत से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि आप सूखे आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गाय को खिलाइए। ऐसा आपको एक महीने तक करना है और लगातार करना है। आप सुबह उठें, नहाएं, नहाने के बाद सूखा आटा लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करें और मिक्स करने के बाद किसी भी गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने से जो आपकी किस्मत में होगा वह आपको जल्दी ही मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है उसे वह देरी से मिलता है, तो आप उसके लिए प्रयत्न करते रहें, तैयारी करते रहें और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। तो उसके लिए आप कोशिश करते रहें क्योंकि किस्मत उसी की जगती है जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। जब आप कोशिश करना छोड़ देंगे तो उस दिन आपकी किस्मत खुले हाथों से आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत हमेशा भाग्यशाली बनी रहे, तो आप इस उपाय को करें और इस उपाय से अपनी किस्मत को और भी ज़्यादा भाग्यशाली बनाएं। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ।